एक बात कहूँ? बेशक मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब जब ये शादी हो गई है तो मैं इसको पूरे दिल के साथ, खुश उसलूबी के साथ पूरा करना चाहती हूँ। और मैंने सोचा है कि मैं इनको अपने पास के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं अपनी शेरवानी को देखता हूँ और आपके लिबास को, तो ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि आप पर बहुत बोझ है। ज़ैन और इसकी आवाज, नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हूँ। ये कितने प्यार से बात करता है, मगर वो गवार कहीं का। काश कोई होता मेरे घर से मुझे समझाता कि तुम के ऊपर सिर्फ लिबास का बोझ होगा। आपकी बातें कितनी अच्छी हैं। ना की आवाज। सॉरी। आई एम सॉरी। इसकी आवाज कितनी जानी पहचानी सी है। शायद मुझे आदत हो गई थी तुम्हारी आवाज हर वक्त सुनने। आपने घूंघट उड़ा हुआ है इतनी देर से, पता नहीं सांस कैसे आ रही। नहीं, वो घूंघट तो दूल्हा उठाता है ना जी, और फिर मुंह दिखाई देता है जो कि मैं खरीदना भूल गया। कोई बात नहीं, आपकी इस गलती को माफ किया। कितना प्यारा लहजा है इसका, कितना धीमा बोलती। और यहाँ अगर तुम होती और ये जान लेती कि मेरे पास तुम्हें देने को कोई तोहफा नहीं है, तो इतना बोलती कि मैं तो क्या। मोहल्ले में मौजूद हर लड़का ये जहन नशीन कर लेता कि दुल्हन को मुंह दिखाई देना उतना ही फर्ज है जितना रोजे में पकौड़े खाना। सुनिए, मैं आपका हाथ थाम सकता हूँ? इसके हाथ मेहंदी में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तुम्हारे हाथ कैसे लगते? बुरे लगते। लाजिम है कि बुरे लगते? बहुत बुरे लगते, जंगली कहीं। ये गलत है, बहुत गलत है। तुम सामने हो, मुझे नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। मैं घूंघट उठा लूं? वैसे मैं मुंह दिखाई लाया, वही मजाक कर रहा था। मैं घूंघट हटाऊं? जी। पता नहीं ये कैसा दिखता होगा, दांतों से तो मालूम होता है कि शक्ल का भी अच्छा ये होगा। वैसे आपको अजीब नहीं लगता क्या, आपका घूंघट उठाना? नहीं, ना आपने मुझे देखा ना मैंने आपको देखा, और शादी के लिए यहाँ कर थी। चेहरा